दोस्तों चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू ओपन दी अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट्स। तो चलिए मैं ऐप में आ गया हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे करता हूँ। रिक्वायरमेंट्स तो बाजू में आपको दिखाई दे रहा है। अब मोबाइल नंबर इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, डालना है सबसे पहले। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ जिसके नाम से अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। देन साइन अप विद द मोबाइल नंबर हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप करते हैं तो एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। देखिए थोड़ा वेट करते हैं और ये रिक्वायरमेंट्स आप लोग बाजू में देख लीजिए तब तक, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता है। ये देखिए OTP आ गया है। अब इस OTP को मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि ऑटोफिल कोड लिखा है बट नहीं है, तो जो भी OTP मैं यहाँ पर ये टाइप कर रहा हूँ, देन कंटिन्यू। और उसके बाद आपको अपना कोई 6-डिजिट पिन नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वॉट एवर द यूर लक्की नंबर जो भी है, तो एंटर अब जो है पिन नंबर यहाँ पे करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैं कर देता हूँ, देखिए ये इस तरीके से मैं 6 नंबर कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। फिर से एक बार कन्फर्म करना है पिन, तो फिर से एक बार वही नंबर प्रेस कीजिए और कन्फर्म कीजिए, ठीक है दोस्तों। सो जैसे आप इसको एंटर करते हो वो आपको ईमेल आपका पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है ताकि वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजेगा आपके ईमेल में। तो यहाँ पर डालकर अपडेट कर दीजिए आप। अपडेट करने के बाद मेरे ईमेल आईडी में वो आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी वहाँ पर OTP आया है मैं वहाँ से देखकर इसमें एंट्री कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। ये मैंने देख लिया अब ये, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेटर वे। सो ये यहाँ पर हाँ यही वाला है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आ गया दोस्तों, देखिए नो रिप्लाई OTP वेरीफाई। अब इसमें क्या OTP है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर OTP आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ OTP। ये 506256 दिस वन इज द OTP। तो ये OTP याद कर लेते हैं हम लोग और फिर चलते हैं वहीं पर, ठीक है, वेरीफिकेशन के लिए। यहाँ पर OTP मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। सो क्या OTP था ये, ठीक है ना, इस तरीके से ये वाला था OTP। देन उसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है आपको क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। चलिए सबसे पहले पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देन जो भी आपका पैन नंबर है आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है। मैं अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ दोस्तों, जो पैन कार्ड नंबर है मेरा वो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ, देखिएगा। देन ये जैसे ही इंटर कर लूँगा मैं, हो गया ये 2412 एंड पी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको पुट करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है दोस्तों। ये डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। हो गया दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दिया, ये नेक्स्ट किया मैंने। नाउ व्हाट, ये अब कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। जैसे व्हाट इज़ योर जेंडर, मैं फीमेल के लिए अपने वाइफ के लिए कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, मैरिज। देन व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, आप जो भी डाल सकते हैं, बिलो 1 लाख में पुट कर देता हूँ। देन एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर और वो क्या करती है। उसके बाद सो व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन, तो हाउस वाइफ है तो मैंने हाउस वाइफ डाल दिया है। पॉलिटिकल एक्सपोज आपको नो डालना है। कंट्री ऑफ टैक्स इंडिया, यस करना है। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए बॉक्स को एंड कंटिन्यू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी है, देन यू कैन गेट अ स्टॉक ऑफ 0, ऐसे मैसेज आता है, ठीक है। तो आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, आई वॉन्ट अ स्टॉक फॉर 0 इस तरीके से। देन आप आगे बढ़ जाते हो और देखिए प्लीज़ कन्फर्म द बिलो डिटेल्स, ठीक है। ये आप ही का डिटेल, एड्रेस वगैरह आप ही कहाँ है। हाँ, तो मैंने जो भी था वो सही था। अब जो ये बॉक्स आपके सामने है दोस्तों, इसमें हमको डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो मैं अपने वाइफ को देता हूँ, वो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर कर देगी, जो भी क्लाइंट समझ लीजिए। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर होगा, ठीक है दोस्तों। आपको इस बॉक्स के अंदर आपको सिग्नेचर करना है इस तरीके से। चलिए हो गया है इसको, अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो इसको मैंने प्रेस कर दिया है, ये कंटिन्यू नाउ। सो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन वी विल रिक्वेस्ट कैमरा, आप ये फोटो जो है वो डिमांड करेगा, तो उसको कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
कैमरा जो एक्सेस है उसको अलाउ करना है ताकि वो फ़ोटो ले सके। इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अपस्टॉक्स टू रिकॉर्ड दी ऑडियो ऑल्सो अलाउ कर देता हूँ। गॉटिट को आप यहाँ पे जो गॉटिट दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, कैप्चर कीजिए, देन एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एक्सेप्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। अगर आपको सही नहीं लगा अच्छा फोटो तो रिटेक, बट ये डेमो है तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रिटेक की ज़रूरत नहीं, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है अकाउंट निकाला है मैंने। सो अब वो फर्दर जो है फोटो को जो प्रोसेस कर रहा है। देन एंटर योर बैंक डिटेल्स। आपको क्या करना है दोस्तों, बैंक के डिटेल्स जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो मतलब अकाउंट जो नंबर जो है अकाउंट होल्डर का नेम, तो जो भी नाम है उसका आपका जो भी नाम वहाँ पर जो बैंक अकाउंट में दिया हो उस तरीके से आप उसको क्या कीजिए नाम जो है लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे आपका नाम हो जाता है फिर आपको लिखना है यहाँ पर IFSC कोड। आप बैंक का IFSC कोड आपके अकाउंट में लिखा होगा, नहीं है तो फिर ऑनलाइन में आप बैंक ब्रांच डालते तो आपको IFSC कोड आपका मिल जाएगा। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का IFSC कोड है, मैं वो डाल देता हूँ दोस्त। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आपको अकाउंट नंबर उसमें डालना है। अकाउंट नंबर दोस्तों आपको फिर से एक बार री एंटर करना पड़ेगा, जो ऐसे मैंने यहाँ पे कर लिया वेरिफिकेशन के, ताकि वो सही हो। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो अकाउंट टाइप है उसको क्लिक करना है, देन कंटिन्यू, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर आपको फ्री में मिल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एक भी पैसे यहाँ पर नहीं रखने वाले यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए साइन अप फॉर फ्री एंड यस, ठीक है। यस को क्लिक कीजिए, देन कंटिन्यू का बटन दबा दीजिए दोस्तों। एक रुपये उसको आपके अकाउंट में 1 रुपीज़ भेजेगा चेक करने के लिए। कंग्रेचुलेशन, योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर ऑन द वे, ठीक है। कुछ वक्त के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत जल्दी आपको करना है। अब ये पूछेगा दोस्तों कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स के लिए भी आपको करना है एक्टिव, तो नो आई विल डू लेटर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और उसकी आपको ज़रूरत नहीं, रिस्की काम है। अब ये पूछ रहा है 3 नॉमिनीज तक आप ऐड कर सकते हो, एटलीस्ट 1 नॉमिनी तो भी आपको ऐड कर लेना है, ताकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आपको होगा तो नहीं खैर, बट अगर हो जाए तो फिर जो नॉमिनी है वो पता चले, मतलब दिक्कत ना हो उसको, जो भी अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें दोस्तों, ठीक है ना। तो एक 1 नॉमिनी ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, नेम डाल देना है, देन सरनेम, देन उससे रिलेशन क्या है, जैसे मैंने बोला था कि वाइफ का है तो फिर मैं स्पाउस लिखूंगा वहाँ पर, ब्रदर है, मदर है, सिस्टर है, जो भी आप वहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, जो भी लिखना है। उसके बाद उसका मैंने अभी ये पैन नंबर डाल दिया है। पैन नंबर के बाद फिर डेट ऑफ बर्थ जो है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस कैलेंडर से चूज़ करना है, और चूज़ करके डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर पुट करना है। पहले आप ईयर चूज़ करेंगे, यहाँ से देखिएगा, ईयर के बाद फिर चूज़ करना है आपको उसका मंथ, मंथ चूज़ होने के बाद फिर आपको करना है उसका जो भी डेट ऑफ एक्चुअली बर्थ है। तो इस तरीके से हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको डालना है, कौन सा मोबाइल नंबर है वो भी आपको डालना है दोस्तों यहाँ पर। 1 बाय 1 स्टेप देख लीजिए, अगर बहुत सिंपल चीज़ है जिसको नहीं समझते, ठीक है। ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी बना होगा वो डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिए शॉर्टकट में, देन एड्रेस होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसका मतलब जो भी नॉमिनी है नॉमिनी का पिन कोड भी आपको डालना है, पिन कोड, देन जो भी रिस्पेक्टिव पिन कोड मैं डाल रहा हूँ, देन आफ्टर द सिटी कौन, ठीक है ना, कोई भी जो है जिस आप में हो, देन स्टेट जो भी है आपका रिस्पेक्टिव, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन से आप चेक कर लीजिए, जैसे महाराष्ट्र का तो मैं महाराष्ट्र कर रहा हूँ दोस्तों। एंड इस तरीके से नॉमिनी के लिए एटलीस्ट 1 नॉमिनी, आप 3 नॉमिनी का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हो, बट एटलीस्ट 1 नॉमिनी का इन्फॉर्मेशन आपको देना है, दैट इज़ कंपल्सरी। यहाँ पर शायद एक स्पेस छूट गया था, सॉरी, तो उसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, स्पेस को बैक ले लेता हूँ, नाउ इट विल बी गो ऑन कंटिन्यू। तो अब कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा नॉमिनी डिटेल जो है वो आ गया है, ठीक है दोस्तों। नाउ व्हाट, इसको अब हम लोग करते हैं, जैसे पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट दी, इसका इलेक्शन आईडी कार्ड करते हैं दोस्तों, ठीक है। इलेक्शन आईडी कार्ड इसको करते हैं, और फिर इसको क्या करूँगा दोस्तों, मैं स्कैन करूँगा इलेक्शन आईडी कार्ड जो है इसको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको टैप टू अपलोड, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद, और ऑलरेडी पहले से आपने वो स्कैन करके रखा होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे स्कैन करके रखा था मैंने इलेक्शन आईडी कार्ड, ठीक है। उसको क्लिक करता हूँ,
तो इस तरीके से क्या होगा, वो अपलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब जैसे इलेक्शन आईडी कार्ड का बैक साइड वो भी मुझे अपलोड करना है, तो फिर से मैं सेकंड जो इमेज है बैक इमेज उसको भी क्लिक करता हूँ। ये दोनों भी हो चुके हैं और इसको आप रिप्लेस चेंज भी कर सकते हो, बट इट्स ओके। देन मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ फॉर इलेक्शन आईडी कार्ड के लिए, ठीक है दोस्तों। सो व्हाट, ये हो गया है, ठीक है। अगर आपको और एक नॉमिनी ऐड करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू कर देना। जैसे कि नॉमिनी वन डिटेल ये देकर रिस्पॉन्स एवरीथिंग इज गिवन। लेकिन दोस्तों शेयर कितना अलॉट करना चाहते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप पूरा एक तो 100% 10-20, हालांकि एक नॉमिनी है तो आपको 100% करना होगा, ज़्यादा होते तो आप उसको डिवाइड करके कर सकते थे नॉमिनी को, इस तरीके से दोस्तों। अब जो ये आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आधार वेरिफिकेशन, उसको मैंने क्लिक कर दिया है ई वेरीफाई। वो डाटा जो है पहले डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह कुछ ऐसा डाउनलोड नहीं हो रहा, डाटा डाउनलोड हो रहा है क्योंकि डिजिटली वेरीफाई करता है वो दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आपका आधार कार्ड से रिलेटेड है जो है उसको वेरीफाई करता है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, डाउनलोडिंग ये हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहिए, स्पीड अच्छी है तो बहुत फास्ट हो जाता है। 24% डाउनलोड हुआ है, अब ये जस्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है ई साइन नाउ बटन पे, ठीक है। ई साइन नाउ बटन पे करते ही क्या करेगा, वो आधार नंबर को वेरीफाई करेगा, ठीक है दोस्तों। आधार जो आपका नंबर है, और आपको OTP मिलेगा जो आपके आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो, और आपको उसको वेरीफाई करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हमने क्लिक कर लिया है, अब ये देखिए आ चुका है, ठीक है। प्रोसीड टू ई साइन, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आप जो लिखा है उसको ये कर दीजिए, फिर यहाँ पर ई साइन नाउ, यहाँ पर आप फिर से एक बार क्लिक कर दीजिए नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेकबॉक्स में क्लिक करके आपको आधार नंबर टाइप करना है अपना, तो जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये इस तरीके से पूरा। देन वॉट, चेकबॉक्स को चेक करते हैं हम लोग एंड सेंड OTP, ठीक है दोस्तों। ये चेक बॉक्स को पहले मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ, और अभी चलिए सेंड OTP क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो भी OTP आएगा, ये OTP जो आपको 49723 दिखाई दे रहा है, इसको हमको यहाँ पर लिख लेना है एंड वेरीफाई OTP करना है दोस्तों। ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, आपके मोबाइल में आएगा, ये मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। एंड उसके बाद वेरीफाई OTP कर लिया मैंने, अब ये वेरीफाई हो रहा है दोस्तों। चलिए आपका काम पूरा हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है दोस्तों, डिजिटली साइन हो चुका है, एप्लीकेशन देखिए आपका जो सबमिट हो चुका है। अब स्क्रूटनी बाकी है, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन होगा, लॉगिन डिटेल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट यहाँ से करके देखते हैं दोस्तों, कभी कभी दिक्कत होती है यहाँ से डाउनलोड होने में, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ से भी करके देखते हैं, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा सक्सेसफुली आपका जो है सबमिट हो चुका है, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, अच्छी बात है, डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, कभी कभी दिक्कत आती है। सो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, अभी माना जो आपने अभी फिल किए हुए है वो पूरा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 96 हो गया, ये देखिए फिर से यहाँ पर अब नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। तो ऐसे हमारे पास दूसरा तरीका भी है, मैं आपको डाउनलोड करके, क्योंकि मैसेज भी आ जाता है, ईमेल में भी आ जाता है, वहाँ पे क्लिक करते तो दोस्तों आसानी से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बार देखा है मैंने कि 96, 95, 98 तक लटक जाता है वो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये क्रोम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू, ठीक है, ऑथेंटिकेट टू, वो सिक्योरिटी कोड भेजा मोबाइल नंबर में, उसको पहले डालना पड़ेगा, भैया आप ही का मोबाइल है ना, ये 448272, ये OTP है, इस OTP को हमको यहाँ पे लिखना है, जो भी OTP आएगा दोस्तों, ठीक है। मोबाइल हमने मैसेज में क्लिक किया तो ये आया है, ठीक है, यहाँ से हम आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ये देख लीजिए 448272, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, OTP आया है, इस OTP को यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं दोस्तों। एंटर करने के बाद सबमिट कीजिए आपके, उसके बाद ये आ गया है, वेरीफाई हो गया आपका कि आप ही हो। डाउनलोड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए दोस्तों, मैं जैसे PDF फाइल को देखना चाहता हूँ, ये आपके सामने है दोस्तों। इस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक बात इसमें याद रखिए दोस्तों, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आपका जो मोबाइल नंबर जो आधार के साथ अटैच है वही बैंक अकाउंट में होना चाहिए, एक बात याद रखिएगा, अदरवाइज़ ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। मतलब जो आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ अटैच है वही वेरीफाइड मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ भी अटैच होना चाहिए। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गए, अब आपको जो लॉगिन डिटेल्स हैं आपको एक दो दिन में मिल जाता है, और अपस्टॉक वाले बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत फटाफट रहता है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप जो है म्यूचुअल फंड भी इसमें आप ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ मैंने जो आपको लिंक दिया है लिंक में जाकर अपना अकाउंट अभी कभी ओपन कर लीजिएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव गुड डे, बाय बाय।